How are you? I hope you will be fit and good. You are heartily welcome in Vivekananda online classes. Vivekananda की online classes में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है. Translation का अपना अंतिम समय लगभग चल रहा है. आप देख रहे थे कि 1000 के अलावा भी मैं आपको वो सारे शब्द दे रहा हूँ. I want to improve your English without 1000. मैं बिना 1000 के भी आपके English improve करना चाहता हूँ. You are not a parrot. तुम एक तोते नहीं हो कि हर चीज़ को रट सकते हो. तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो बिना टेंस के भी आपकी बहुत सारे इंग्लिश बनाने में बहुत सारे वी कैन मेक एनी मैनी सेंटेंस विथ देम. इनके माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. आज कैन और कुड बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है. तो देखो कैन का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और कुड का प्रयोग दोस्तों भूतकाल में होता है. कैन का सही अर्थ होता है सकता हूँ, सकती है, सकता है, सकता है, सकती है, सकता हूँ. यानी किसी भी आदमी की वर्तमान काल में इसका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है सकता है, सकती है, सकता हूँ. यानी कि इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में किसी भी व्यक्ति की योग्यता यानी एबिलिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी, दक्षता यानी स्किल कह दो, दक्षता को निपुणता भी कह देते हैं दोस्तों अपन, शक्ति पावर कह दो, स्ट्रेंथ कह दो, उनके लिए किसी भी व्यक्ति का जो वर्तमान काल में इन चारों चीज़ों का बोध कराना हो दोस्तों तो वी आर यूज देयर ओनली एंड ओनली कैन. वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं. कैन वैसे यू नो ऑल्सो कैन एंड कुड और मॉडल अपने मॉडल्स भी है. एज वी यूज एज ए मॉडल हम इनका मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं. और जितने भी मॉडल है ये वाक्य में सहायक क्रिया की जगह काम में ले जाते हैं सहायक क्रिया के रूप में. और इन दोनों के साथ ही कैन और कुड दोनों के साथ ही दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जितने भी मॉडल्स अपन यूज़ करते हैं उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं. इसका सिंपल फंडा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद जो उस व्यक्ति से संबंधित आपको जानकारी वाक्य में देनी है वो यूज कर सकते हो. कुड के लिए भी बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट कुड, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो नोट लगना ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उस व्यक्ति से संबंधित अन्य जानकारी. तो ये फॉर्मूला है जब वर्तमान काल में ये जो मैंने चार शब्द बताए ना दोस्तों, जैसे योग्यता यानी कि एबिलिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, और दक्षता को स्किल कहा मैंने, और शक्ति को या पावर स्ट्रेंथ कहा. इन चारों शब्दों को मैं हमेशा तुम्हें कहता है हम कि इनको शक्ति से संबंधित शब्दों के रूप में देखते हैं. ये किसी भी व्यक्ति की योग्यता को, क्षमता को, कैपेसिटी को बताते हैं. जैसे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस में लिखा है मैंने. मान लो मैं ये कहूँ कि वह उर्दू नहीं बोल सकता है तो ही कैन नॉट स्पीक उर्दू. मैं मेरे लिए कह दूँ मैं उर्दू नहीं बोल सकता तो आई कैन नॉट स्पीक उर्दू. तो जब दोस्तों किसी भी योग्यता या अयोग्यता को बताना हो वर्तमान काल में तो कैन का प्रयोग होता है. इट इज सिंपल. मैं इस पर्सन कॉल कर सकता हूँ. मान लो आपका टीचर आपसे पूछ रहा है हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास, कक्षा कक्ष में इस पर्सन को कौन हल कर सकता है, तो मैं कह रहा हूँ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस पर्सन कॉल कर सकता हूँ. तो ये आपकी सॉल्व योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी को बता रहे हैं. जितने भी वाक्य इनमें कहीं ना कहीं आपकी योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, दक्षता का बोध हो रहा है. वो इस बक्से को उठा सकता है. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका नेगेटिव भी बन सकता है दोस्तों. ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो. कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या वो इस बक्से को उठा सकता है. कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स. अब दोस्तों जब नेगेटिव वाक्य होता है उसमें कैन के साथ या नॉट लगा सकते हैं. तो लिखने में तो ये दोनों अलग अलग ही लिखे जाते हैं कैन और नॉट, लेकिन जब वाक्य को आप बोलो तो उसको कांट भी बोल सकते हो. ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स. मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, आई रन वेरी फास्ट. तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि इसका बिहेव सही नहीं है, खर्राटे लेता है रात को. आई कैन नॉट लिव विथ हिम, मैं उसके साथ रह सकता हूँ. आई कैन लिव विथ हिम, मैं उसके साथ रह सकता हूँ, उसमें नॉट नहीं आएगा. क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर. क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, कैन यू नॉट कम हियर. जितने जी में आए जितने वाक्य देखो, कैन से और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हो. मैं इस कहानी को लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस स्टोरी. मैं उस उपन्यास को पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दिस उपन्यास, डेट उपन्यास. मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू.
मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प हिम। अगर पुरुष वचन पुरुष लिंग है तो हिम और स्त्रीलिंग है तो हर। वह तुम्हारे साथ सो सकता है, ही कैन स्लीप विथ यू। मैं इस कमरे में रह सकता हूँ, आई कैन लिव इन दिस रूम। मैं इस कमरे में रह सकता हूँ। कमरे का डेकोरेशन डेकोरेटम देख करके भाई ठीक है, कमरा मैं ले सकता हूँ, इस कमरे को रेंट पे ले सकता हूँ, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। वह यहाँ आ सकता है, ही कैन कम हियर। जितने जी में आए जितने सेंटेंस कैन से बन रहे हैं दोस्तों, कैन का पास्ट कूड है। जब यही चारों शब्द शक्ति से संबंधित, योग्यता, समता, दक्षता, निपुणता, वर्तमान काल में नहीं दिखा के भूतकाल में दिखाई जाती है, तो कुड से बनते हैं वो वाक्य। जब भी वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए ऐसे शब्द कोई आते हैं हिंदी में जज करने वाले बच्चों के लिए है मोस्टली ये, तो वहाँ कुड आता है। ये कैन का पास्ट है, इसकी स्ट्रक्चर भी वही है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्क की पोस्ट फॉर्म, फिर जिस व्यक्ति के लिए जो वाक्य में कहा जा रहा है वो। जैसे इसमें कहा जा रहा था कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसकी इंग्लिश के लिए कहा जा रहा है ही कैन स्पीक। यहाँ तक तो मैंने स्ट्रक्चर में दिया, सब्जेक्ट कौन बोल सकता है वह, कैन आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक स्पीक स्पोक स्पोकन। अब उसके उसके लिए किस बारे में कहा जा रहा है, इंग्लिश के लिए कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। सेम वैसे कि वैसे, जैसे वह बहुत तेज दौड़ सकता था तो ही कुड रन वेरी फास्ट। तो सेम ही यानी वह सब्जेक्ट हो गया, कुड रन फर्स्ट फॉर्म है, रन रैन रन दौड़ सकता था, सेम वो स्ट्रक्चर रहती है इसमें। और इसके साथ भी अपन दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, मुख्य क्रिया की। जब मैं विद्यालय में था तब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अपन अपनी बात को क्लियर करते हैं कि कैन का पास्ट कैसे एक हो। जब मैं विद्यालय में था, अब नहीं, ये पहले की उस किसी भी व्यक्ति की योग्यता की चर्चा की जा रही है। जब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था, अब मेरा टच नहीं है, मेरी वोकैबुलरी कमजोर हो गई, अब मेरे पास वर्ड नहीं है। तो आई वॉज एट स्कूल, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी बहुत धारा प्रभाव। अभी मैं किसी के लिए कहूँ कि जब वो नवव्यक्ति थी, जब वो जवान थी, तरुण थी, तो वो बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी। When she was young, she could dance very well, वो बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी। अब तो वृद्ध हो गई, अब तो लकड़ी के माध्यम से तो उसे चलना पड़ता है ना, तो अब वो बात नहीं है। हम समय पर नहीं पहुंच सके थे, ये अपनी अयोग्यता, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तुम वहाँ जा सकते थे, तुम्हारे पास यार कैपेसिटी थी, गाड़ी थी, तुम योग्य थे, तो यू कुड हैव गोन देयर। मैं कल नहीं आ पाया, मेरी असमर्थता बता रहे हैं अपन। तो जब भी किसी व्यक्ति की समर्थता या असमर्थता का बोध वर्तमान काल में किया जाए तो कैन से बनेंगे ऐसे वाक्य, और जब किसी व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता समर्थता असमर्थता का बोध भूतकाल में किया जाए तो वो कुड से बनेंगे। मैं कल नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो जी में आए जितने वाक्य आप बना सकते हो। मैं बहुत, उसकी मदर बहुत गरीब थी इसलिए कार नहीं खरीद पाई। हिज मदर वॉज वेरी पुअर सो सी कुड नॉट बाय अ कार, इसलिए वो एक कार नहीं खरीद सकी। तो जैसे किसी की गरीबी बताई जा रही है कि उसकी अयोग्यता का कारण भी बताया जा रहा है कि वो गरीब थी इसलिए उसमें योग्यता नहीं थी कि वो कार खरीद सकती थी। इस तरीके से दोस्तों और वाक्य आप बना सकते हो। मैं इस पर्सन को हल कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। मैं उछल सकता हूँ, आई कैन जंप। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। मैं उड़ सकता हूँ, आई कैन फ्लाई। जितने भी जी में आए जितने सेंटेंस वाक्य तुम बना सकते हो। इस तरीके से अपन ने ट्रांसलेशन के दो महत्वपूर्ण वर्ड, लेट मी रिपीट, मैं वापस बता रहा हूँ कि वर्तमान काल में किसी भी व्यक्ति की योग्यता समता सामर्थ्य को बताया जाए तो कैन से वाक्य बनेंगे, इसके साथ भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुड के साथ भी, और जब भूतकाल में किसी की योग्यता समता सामर्थ्य को बताया जाए तो कुड से बनेंगे। दोस्तों अब अपन ट्रांसलेशन में एक दो क्लास और बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, वुड है, शुड है, विल है, सेल है, लेकिन अब अपन वापस अपने बुक या जो ग्रामर का, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, मॉडल्स है ना, जो आपके सिलेबस में बिलोंग करते हैं, उन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।